तो गाइस भाई आप निकल चुका हूँ अपने गली में और इस तरह का यहाँ पे बना रखा है पुल के नीचे भैंस पाल रखे हैं। यहाँ पे नर्सरी और यहाँ की हरियाली देखे ना रहा नहीं गया जो है ना मिर्ची की खेती है। एक एक करके नाम बताओ अपना साथ में और रहने वाले यूपी के बदायूं क्षेत्र के हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, तो कितना मस्त नज़ारा इस समय हरियाली। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन आई बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में स्वागत है दोस्तों आपका। और आज तारीख 19 है, मैं ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने ही घर पे होंगे। दोस्तों आज है संडे, 19 तारीख हो गए, कल ऑफिस आना है, तो क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए और माइक भी टेस्ट हो जाएगा। सुबह से माइक बनाने में लगा पड़ा हूँ, तो देखते हैं कितना मेरा माइक प्रोग्रेस हुआ है, कितना मतलब बन के रेडी हो चुका है। और एक चक्कर चलते हैं खादर, पिछले साल से खादर नहीं किया हूँ और आपको फ्लाईओवर दिखाता हूँ, जो फ्लाईओवर बारहपुला से लेकर मरीन ड्राइव तक जुड़ा था उसमें कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। पिछले एक साल से मैं तक गया हूँ और आज फिर जा रहा हूँ, आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ और जैसे भी नजारे आपको अगर अच्छा लगेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस भाई आप निकल चुका हूँ अपने गली में और आज आपको मयूर विहार का जो है मार्केट भी दिखाऊंगा। तो ये है आचार्य निकेतन की मार्केट और बहुत अच्छे खासे इसमें रेस्टोरेंट भी हैं और स्वीट की भी दुकानें हैं और होटल भी हैं। यहाँ से मुझे लेना है राइट, तो ये पुल बन रहा है सीधा, अब आप देख सकते हैं पूरा ये यहाँ से पूरा बंद है। मैं जाऊँगा इस समय खादर की ओर, तो ये है खादर के लिए रोड। जो पहले इधर शांति थी यार बहुत, लेकिन अब इधर बहुत काफ़ी रश हो चुका है। देखो काम तो हो जाना चाहिए था इसको पूरा, लेकिन ये अभी तक पता नहीं क्यों नहीं हुआ शायद। तो ये है गाइस जो बन रहा है पुल, ये एकदम सिग्नेचर टावर की तरह बन रहा है, तो इतना सारा यहाँ पर जो है अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा इसमें बनने में। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जमुना तक। तो दोस्तों ये है जमुना और इतनी गंदी है हो रखी है ना, क्या बताऊँ, इसमें इतनी भयंकर स्मेल आ रही ना कि यहाँ पर खड़ा नहीं हो जाए। और जो बारहपुला से जो आ रहा है फ्लाईओवर वो यहाँ पर तक आ चुका है, अब बीच में ये जॉइंट रह गया है, तो पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं यार, भगवान जाने। देखो भाई और बिल्कुल जमुना को एकदम से मिट्टी से भर दिया गया है और बीच में थोड़ा सा नाला था बना के रखा है, तभी जाके इसमें काम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, और आप देख सकते हैं नज़ारा इस तरह का यहाँ पर बना रखा है, बिल्कुल सिग्नेचर टावर की तरह बन रहा है ये और अजीत रो का। तो बड़े बड़े रोड लगे पड़े हैं यार और इतना बड़ा ये स्पेस है, ये वाला जो हिस्सा है इसमें नीचे से कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है और सपोर्ट केवल इन डंडों से, जो ये डंडे हैं जो ये वायर हैं इसी से ये अभी टिका पड़ा है, तो इसके नीचे जाना एकदम खतरा है, तो मेरे को बोला गया है कि इसके नीचे मत जाना। तो गाइज घर पर खाली बैठा हुआ था तो मैंने सोचा आ जाऊँ, और कुछ घर का खाना वेस्ट बचा हुआ था जो कि मैंने यहाँ पर गाय भैंसों को देना था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था। तो चलते मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो ये नाव की शायद वो है इसको तो क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। तो पानी आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी, काला जमुना जी का पानी एकदम, आप देख सकते हैं पूरा। अभी मैं वहाँ पर था और वहाँ से घूमते हुए मैं इधर को आया, और ये है सामने काले खां, और वो आपको जमुना का पुल दिखाई दे रहा है जो हाईवे रोड वाला और मेट्रो का भी है, और सामने आप देखेंगे तो वो है आपका काले खां, और इधर सीधा सामने की तरफ जाएंगे तो बारहपुला रोड आपको टच में मिलेगा। तो यहाँ से जितने भी जो लेबर हैं वो अगर उस तरफ जाना है तो इसका सहारा इनको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नाव द्वारा यहाँ से जाया जाएगा। तो देख सकते हैं आप वो नाव वहाँ तक पहुँच चुकी है और यहाँ से पूरा घूम के गया वहाँ, और वहाँ जाके फिर वो अपने उस साइड में चले जाएगा। तो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और बाकी चलते हैं आगे और भी नज़ारा आपको दिखाते हैं।
आज मैं आया हूँ खादर, और तो यहाँ की हरियाली देखे ना रहा नहीं गया है, तो मैं सोच रहा हूँ यार कि एक चक्कर इन खेतों के बीच में मार रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मक्का भुट्टे लगा रखे हैं, यहाँ पर देखो आप, और इधर इस तरफ एक हरी सब्जी है जो मैंने लगा रखा है, उसको बोलते हैं पांक, बोलते क्या बोलते हैं छपन जाना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कि इसको क्या बोलते हैं। और ये भी एक सब्जी है पूरा, तो चलते हैं आज इधर को देख के आते हैं फसल नज़ारा फर्स्ट क्लास। तो ये सारा जो है मक्का है इस समय, और बाकी बुआई चल रही है। और तो मैं हूँ मयूर विहार के ठीक सामने जो खादर इलाका है वहाँ पर, तो इलाके में देख कर कुछ ऐसे मज़ा आया। और यहाँ पर आलू की बुराई तैयारी चल रही है, साथ दो रखा है साथ यहाँ पे, और तार बाड़ किया जा रहा है। और सामने देख रहे हैं आप भिंडी नज़ारा, हुआ वेरी गुड। तो ये है नज़ारा कुछ यार बहुत ही शानदार, चलाई वगैरह वगैरह खूब लगा रखी थी यहाँ पे, चलाई लगा रखी यहाँ पे। और मैं भी कुछ गांव की तरफ घुस गया हूँ मैं भी। और ये है तुम्हारा साग, पता नहीं कौन सा साग है यार, ये है नारी का साग। और इस तरफ जो है आपका भिंडी, और एक हरी सब्जी और होती है उसको यार, जो मैंने भी लगा रखी है गमले में, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा इस समय, देखते हैं जैसा भी लगा रहा है ये। वाह 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 वाह। और अभी मैं उस रोड पर आया था, तो उस रोड से मैं जंगला खादर गया था, तो अब मैं घर को मिल चुका हूँ। तो ये है मिर्ची, हरी मिर्ची, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ऑफ रोडिंग भी है, ऑफ रोडिंग गड्ढे मड्ढे, और इसमें गाड़ी चलाने का अनुभव कुछ और होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भी तुरई है, भिंडी है, तो देखो ऐसे यहाँ पर जो है भिंडी निकाली जाती है, और जैसे कि आप देख रहे हैं तीन आदमी जो है भिंडी निकाल रहे हैं, पूरी खेती जो है पूरी भिंडी की है पूरा। तो आप लोग भिंडी ही बेचते हो या फिर मंडी बेचते हो आप? यही बेचते हो? तो यहाँ पर क्या भाव देते हो आप? 150 रुपये धड़ी। अगर आधा किलो किलो चाहिए तो चलो थैंक यू यार, आधा किलो मैंने लग देना माफिया। तो ये है यहाँ पर जो है सब्जी जो बनाई जाती है यहाँ पे, जो आप देख रहे हो पूरा भिंडी की खेती है, और ऐसे निकालते हैं जैसे बीच बीच में जा रहे हैं, यानी कि पेड़ तोड़ना नहीं, आराम आराम से बीच में फांसले की तरह जा रहे हैं, और हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, और दस्ताने पहन के तब जाके ये भिंडी निकाल रहे हैं, तो इनको तजुर्बा है खेती करने का। तो जैसे हमारे गांव में कीड़ा लग जाता है ना, तो वो कीड़ा जो है यहाँ नहीं लगता, यहाँ हर चीज़ के साधन है, दवाई ववाई डालते होंगे और तब जाके यहाँ खेती बाड़ी होती है। तो गाइस अगर आप लोग कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लें, और सुबह के टाइम पर यहाँ पर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सब्जी आपको यहाँ पर मिलेगी, अगर आप लेना चाहते हैं ताज़ा ताज़ा सब्जी, तो घड़े के हिसाब से आपको यहाँ पर सब्जियाँ मिल जाएंगी। तो एक नज़ारा मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो ये है नज़ारा कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर भी कुछ लोग सब्जी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? मिर्च निकाल रहे हैं, हरी मिर्च। वाह वाह वाह। तो ये पूरा खेत जो है पूरा हरी मिर्च का है, और पल्ला वाला जो खेत है ये कौन सा है? ये पूरा भिंडी का। वाह वाह वाह। तो चारों तरफ इसमें भिंडी का सीजन है, और ये भी पूरा भिंडी का खेत है। तो ये है नज़ारे कुछ इस तरह का, चलते हैं आगे। यह है गाइस यहाँ से, और आप देख रहे हैं पूरा फर्स्ट क्लास सब्जी लगा रखी है, और लोग काम कर रहे हैं, और मौसम भी अच्छा हो रखा है, बारिश भी हो रखी है। और यह है पूरा मक्के की खेती। तो भुट्टा अगर आपको चाहिए तो सुबह के टाइम यहाँ पर आइए, और भिंडी सब्जी जो भी सब्जी आपको चाहिए सुबह के टाइम आपको रोड पर मिल जाएगी, तो अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे। और गाइस आप देख सकते हैं सामने हाईवे रोड है, और ये मयूर विहार से मेट्रो जा रही है काले खां की तरफ, एक आ रही है और एक जा रही है, और उस तरफ हाईवे रोड है। तो कुछ ज़्यादा खास दूर नहीं है, अरबी की खेती हो रखी है, और इधर तुरई की खेती है। तो इस समय 3-4 सीज़न चल रहे हैं, भिंडी अरबी एंड तुरई, तो इनका पूरा भुट्टा इनका सीजन चल रहा है। अब बरसात का दिन आने वाले हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेट पर आपको सब्जी मिल जाएगी।
बस ये रोड यहीं तक है। अब ये रोड यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, भिंडी का खेत और ये खेत, वो खेत, वो खेत, बस। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे यार ये चैनल तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं पीछे के साइड, अभी और थोड़ा आगे नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो यार यहाँ पे जो है ना मिर्ची की खेती है, अभी मैं इनसे बात करके गया था तो मैं इनसे कुछ मिर्ची लेके जा रहा हूँ, तो सोचता हूँ देखता हूँ कैसे ये मिर्ची निकालते हैं। एक एक करके नाम बताओ ना, आपका क्या नाम है? उमेंद्र जी, वाह मिर्च निकाल लो अब। और आपका क्या नाम भैया? अरे नाम बताओ। सचिन। आपका? मनोज जी, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत। और आपका नाम क्या गुड़िया? राधा। और जी आपका? चलो वो शर्मा रही है, कोई बात नहीं। रेखा, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आऊँगा जब सब्जी तुम्हारे। अब रहते कहाँ पर आप? यहाँ पे नहीं, सबसे लास्ट में होता है। क्या नाम आपका? मनोज जी। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये लोग जो है यहाँ पे खेती कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हैं आप? जिला बताएं। बताएं के बहुत हैं यहाँ पे यार, वो चरण सिंह जी भी बताऊँ के हैं, सब बताए के हैं, अपने अपने सब मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक है, बहुत बढ़िया यार, अच्छी खास बात है। और आप लोग क्या पढ़ाई भी करते हो? कितने पढ़े हो? साथ में पढ़ रहा है अभी यार, पढ़ाई पढ़ाई जरूर करना है मेरे भाई। इनका ग्रेजुएशन है मेरे का। अरे वाह, वेरी गुड, वाह ठीक है। तो भाई ये थे यहाँ पे हमारे भाई लोग, और बहुत ही मेहनती हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में। और रहने वाले यूपी के बदायूं क्षेत्र के हैं, आसपास के ही हैं, ज़्यादा दूर के भी नहीं हैं। बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं यहाँ पर आते रहूँगा और इन लोगों के हालचाल भी पूछते रहूँगा, और अच्छा लगा। और अभी अभी आपको नज़ारा दिखाऊँगा उस तरफ का, उस तरफ भी चलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद, आपको दिखा देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ से थोड़ा सा मिर्ची बिल्ली से, और अब मैं जा रहा थोड़ा सा आगे की तरफ, आपको नज़ारा दिखाते हैं। और ये लगा रखा है यहाँ पे शीशम का पेड़ सारे, और कुछ फलदार वृक्ष लगा रखे हैं यहाँ पे, तो सारे लोग बाहर पे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी खेती, वैसे तो ये जमुना की खादर जो इलाका है पूरा जमुना का है, लेकिन जो यहाँ के जो गांव थे पहले, शामसपुर गांव है एक यहाँ पर पट्टागंज में, तो यहाँ के जो वासिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, और वही लोग इसको देखते हैं और वही लोग इन पर किराया लेते हैं। तो ये है नज़ारा कुछ इस तरफ का। तो बाकी नज़ारा यही है गाइस, और यहाँ से होते हैं अब वापस। ये चीकू के पेड़ और लगा रखे हैं यहाँ पर चीकू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा। तो गाइस वहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर मयूर घर की तरफ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस अपना राय मशवरा जरूर दीजिएगा कमेंट द्वारा, और कि आपको यह एरिया कैसा लगा। और ये देखिए आप, इसको बोलते हैं नारी सब्जी, नारी सब्जी है ये, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।